नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। तो हम पढ़ रहे थे विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में हमने सत्व संधि पढ़ा। सत्व संधि में विसर्जनीय से सूत्र के बारे में पढ़ा। विसर्जनीय से सह से क्या होता है, विसर्ग के स्थान पर स आदेश हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे आगे के सूत्र। तो सूत्र है स सजु सोरुह। स सजु सोरुह, ये सूत्र क्या कहता है, सकार यानी स और सजुष के सकार के स्थान पर रु आदेश हो जाता है। यानी कि स और ये सकार और सजुष, सजुष का जो सकार है इसके स्थान पर क्या होता है, रु आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, रु आदेश हो जाता है। रु में ये जो उ है, उ की इत संज्ञा होती है। रु में उ की इत संज्ञा हो जाती है। रु में उ की इत संज्ञा होती है और शेष क्या बचता है, र। शेष क्या बचता है, र। र शेष बचता है। तो स सजुषोरु सूत्र क्या कहता है कि सकार यानी कि स और सजुष के सकार की, सजुष के सकार में रु आदेश होता है। यानी कि ये स हो या फिर ये स हो तो दोनों के स्थान पर रु आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, रु आदेश हो जाता है। यदि पदांत में, पद के अंत में स हो या फिर ये स हो तो दोनों के स्थान पर रु आदेश हो जाता है। रु में उ की इत संज्ञा हो जाती है तो शेष क्या बचता है, शेष बचता है र। रु में उ की इत संज्ञा होने के बाद शेष बचता है र। तो इसका उदाहरण है जैसे कि हरीश, हरीश प्लस अपि, हरीश प्लस अपि। तो यहाँ पर क्या है, स है यानी कि सकार है। तो स सजुषोरु क्या कहता है कि सकार या सजुष के सकार को रु आदेश हो जाता है यदि वह पद के अंत में हो, और रु में उ की संज्ञा होने के बाद क्या शेष बचता है, र शेष बचता है। तो स के स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। स के स्थान पर र हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हरिर प्लस आपी। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा हरिर, र में आ मिल जाएगा तो र पूरा हो जाएगा, इसके बाद में आपी तो हो जाएगा हरिर रपी। इसके बाद अगला है जैसे कि, अगला है मातस प्लस आज्ञा, मातुस प्लस आज्ञा। अगले बार इसके बाद जैसे कि अगला पितुस प्लस आज्ञा, पितुस प्लस आज्ञा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, मातुस प्लस आज्ञा। तो सकार है यानी कि स है, स के स्थान पर र हो जाएगा और आगे आज्ञा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मातुराज्ञा, मातु राज्ञा। अगला है पितुस प्लस आज्ञा, तो इसका बनेगा पितुराज्ञा। क्या बनेगा, पितुराज्ञा। इसके बाद अगला उदाहरण है जैसे कि मुनिस, मुनिस प्लस इव, मुनिस प्लस इव। तो इसका क्या बनेगा, स के स्थान पर र हो जाएगा, स के स्थान पर र हो जाएगा और र में ई मिल जाएगा तो हो जाएगा मुनिर यु। क्या हो जाएगा, मुनिर यु। और अगला है इसके बाद जैसे कि पितुस प्लस इच्छा, पितुस प्लस इच्छा। तो इसका क्या बनेगा, स के स्थान पर र हो जाएगा तो बनेगा पितुर इच्छा, पितुर इच्छा। तो ये है स सजुषोरु यानी कि स के स्थान पर स हो या सजुष का स हो तो दोनों के स्थान पर रु आदेश हो जाता है, और रु में उ की इत संज्ञा होकर र शेष बचता है। क्या शेष बचता है, र शेष बचता है। अब इसके बाद देखते हैं हम अगला सूत्र। अगला सूत्र है अतो रोर प्लुताद प्लुते।
अतो रोर प्लुताद प्लुते। तो ये सूत्र क्या कहता है, यदि रु के ठीक पहले ह्रस्व आ हो और रु के ठीक बाद में ह्रस्व आ हो तो रु के स्थान पर उ आदेश हो जाता है, रु के स्थान पर उ आदेश हो जाता है। जैसे कि इसका उदाहरण है शिवस शिवस प्लस अर्च, शिवस प्लस अर्च, तो यहाँ पर स है तो स सोरु से रु आदेश हो जाएगा, रु में उ की इत संज्ञा होगी तो क्या शेष बचेगा, र शेष बचता है। तो यहाँ पर होगा शिव स के स्थान पर होगा र और उसके बाद में अर्च। फिर सूत्र आता है अतो रोर प्लुताद प्लुते, यानी कि र के ठीक पहले ह्रस्व आ हो और र के ठीक बाद में ह्रस्व आ हो तो र को उ आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर र के पहले क्या है, अ है और र के बाद में भी ह्रस्व आ है तो र के स्थान पर क्या हो जाएगा, उ आदेश हो जाएगा अतो रोर प्लुताद प्लुते सूत्र से। तो यहाँ पर हो जाएगा उ शिव, र के स्थान पर हो जाएगा उ और उसके बाद में अर्च्य। फिर इसके बाद यहाँ पर अ है और यहाँ पर उ है तो अ और उ दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, गुड़ हो जाएंगे, अ प्लस उ मिलकर क्या हो जाएंगे, गुड़ हो जाएंगे, यानी कि गुड़ संधि हो जाएगी तो अ प्लस उ मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा शिवो शिवो प्लस अर्च्य, शिवो प्लस अर्च्य। तो यहाँ पर ओ है और यहाँ पर अ है तो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, एंग पदान तादति, यानी कि एंग से परे ए या ओ के बाद में ह्रस्व आ हो तो पूर्व रूप संधि होती है। तो यहाँ पर ओ है और उसके बाद में क्या है, ह्रस्व आ है तो यहाँ पर क्या होगी, पूर्व रूप संधि होगी, यानी कि अ के स्थान पर क्या होगा, अव्यग्रह चिन्ह लग जाता है पूर्व रूप संधि से। तो यहाँ पर हो जाएगा शिवो अर्च्य, शिवो अर्च्य बनेगा पूर्व रूप संधि से। जैसे शिवस प्लस अर्च्य है तो स सजसोरु सूत्र से स को रु आदेश होता है, रु में उ की इत संज्ञा होकर र शेष बचता है तो हो जाएगा शिव स के स्थान पर हो जाएगा र प्लस अर्च्य। उसके बाद में अतो रोर प्लुताद प्लुते सूत्र से, यानी कि र के ठीक पहले ह्रस्व आ हो और र के ठीक बाद में ह्रस्व आ हो तो र के स्थान पर उ आदेश हो जाता है। तो यहाँ र के पहले भी आ है और र के बाद में भी ह्रस्व आ है तो र के स्थान पर उ हो जाएगा शिव उ प्लस अर्च। तो यहाँ पर अ है और यहाँ पर उ है तो अ प्लस उ मिलकर क्या हो जाएंगे, गुड़ हो जाएंगे, यहाँ पर गुड़ संधि हुई है, अ प्लस उ मिलकर गुड़ हो जाएंगे तो बन जाएगा अ प्लस उ मिलकर हो गए ओ। तो यहाँ पर हो गया शिवो प्लस अर्च्य। इसके बाद इसमें सूत्र आता है एंग पदान तादति, यानी कि पद के अंत में एंग हो, एंग क्या है, प्रत्याहार है, एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए और ओ, ए और ओ से परे क्या हो, अ हो, ह्रस्व आ हो तो पूर्व रूप संधि होती है, यानी कि ए के स्थान पर अव्यग्रह चिन्ह लग जाता है तो इसका क्या बनेगा, शिवो अर्च्य। तो ये है अतो रोर प्लुताद प्लुते सूत्र का उदाहरण। इसके बाद में अगला है जैसे कि शिवस शिवस प्लस अत्र, शिवस प्लस अत्र तो इसका भी बनेगा शिवो अत्र, शिवो अत्र। अगला है देवस प्लस अधुना, देवस प्लस अधुना तो इसका क्या बनेगा, देवस प्लस अधुना का बनेगा देवो अधुना, देवो अधुना। किस प्रकार बनेंगे, शा में स सजसोरु सूत्र से रु आदेश होगा यानी कि र बचेगा उ की इत संज्ञा के बाद, फिर र में उ होगा यानी कि अतो रोर प्लुताद प्लुते से र को उ आदेश होगा और उसके बाद अ और उ मिलकर गुड़ हो जाएंगे यानी कि ओ हो जाएगा, फिर ओ के बाद में ह्रस्व आ है तो पूर्व रूप संधि से शिवोत्र बन जाएगा। उसके बाद में है देवस प्लस अधुना तो हो जाएगा देवो अधुना। अब इसके बाद देखते हैं अगला सूत्र।
अगला सूत्र है हसी हसी च, हसी च। तो ये सूत्र क्या कहता है, यदि रू के ठीक पहले ह्रस्व आ हो और रू के बाद में क्या हो, हस हो। हस क्या है, प्रत्याहार है। हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं, हस में आते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ वर्ण, ये, व, र, ले और ह, ये वर्ण आते हैं हस प्रत्याहार के अंतर्गत। तो यदि रू के ठीक पहले ह्रस्व आ हो और रू के ठीक बाद में क्या हो, हस प्रत्याहार का कोई भी वर्ड हो, रू के ठीक पहले ह्रस्व आ हो और रू के ठीक बाद में हस प्रत्याहार का कोई भी वर्ड हो, तो रू के स्थान पर उ आदेश हो जाता है, रू के स्थान पर उ आदेश हो जाता है और आ प्लस उ मिलकर गुण हो जाते हैं। तो जैसे इसका सूत्र है मनस प्लस, उदाहरण है इसका मनस प्लस विज्ञापन, मनस प्लस विज्ञापन। तो यहाँ पर क्या है, मनस यहाँ सस सोरु सूत्र से रू आदेश हो जाएगा, तो रू में उ की संज्ञा के बाद र शेष बचता है, तो यहाँ पर हो जाएगा मनर प्लस विज्ञापन, मनर प्लस विज्ञापन। तो यहाँ पर र है, र यानी कि र के ठीक पहले ह्रस्व आ है और र के बाद में क्या है, हस है, वह हस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आता है। तो र के ठीक पहले अ है और र के ठीक बाद में हस है, तो र के स्थान पर क्या आदेश होता है, उ आदेश हो जाता है हसी च सूत्र से, र को उ आदेश हो जाता है हसी च सूत्र से। तो यहाँ पर हो जाएगा विज्ञापन, मन र के स्थान पर हो जाएगा उ और उसके आगे विज्ञापन। तो यहाँ पर आ और उ मिलकर गुण हो जाएंगे, आ प्लस उ गुण हो जाएंगे, तो हो जाएगा आ प्लस उ मिलकर क्या बनता है, उ बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा मनो म न और आ प्लस उ मिलकर क्या हुए हैं, ओ हुए हैं, मनो आगे है विज्ञापन, मनो विज्ञापन बन जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, मनस प्लस विज्ञापन। तो स सजसोरु सूत्र से स को रू हुआ है, उ की संज्ञा के बाद र शेष बचा है और उसके बाद विज्ञापन, फिर र, र के ठीक पहले ह्रस्व आ है और उसके बाद में क्या है, हस है, तो र को उ आदेश हुआ है हस च सूत्र से। तो उ के बाद में आ और उ मिलकर गुण हुए हैं और आ उ मिलकर ओ हो गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा मनो विज्ञापन। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, जैसे कि मनस प्लस रथ, क्या बन जाएगा, मनो रथ, मनस प्लस रथ मिलकर क्या बन जाएगा, मनो रथ, मनो रथ। इसी प्रकार अगला है सरस प्लस वरह मिलकर क्या बन जाएगा, सरोवरह, क्या हो जाएगा, सरोवरह, सरोवरह। मनस प्लस रथा मनोरथा, सरस प्लस वरह सरोवरह। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।